हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 3 मार्च 2021। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक का पदभार किसे सौंपा गया है? हमारा सही जवाब है ए जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है और जयदीप भटनागर ने कुलदीप सिंह धतवालिया का स्थान लिया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना हुई थी जून 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? हमारा सही जवाब है बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया। अब ये महोत्सव उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड की कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र कौन सा है? हमारा सही जवाब है ए घाना। कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र है घाना। घाना के राष्ट्रपति हैं नाना अकुफो अडो। घाना की राजधानी है अकरा और घाना की मुद्रा है घानियन सेडी। पूर्वी नौसेना कमान ईस्ट नेवल कमीशन की फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सही जवाब है डी अजेंद्र बहादुर सिंह। अजेंद्र बहादुर सिंह को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार सौंपा गया है। पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1968 में। सिविल लेखा दिवस सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 1 मार्च। 1 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। भारतीय सिविल लेखा सेवा सिविल अकाउंट सर्विस 1976 में इसकी स्थापना के बाद हर साल 1 मार्च 2021 को सिविल लेखा दिवस मनाती है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 1 मार्च। 1 मार्च को लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार इनका 9वां स्थापना दिवस मनाया गया था। लैंड स्पोर्ट पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आदित्य मिश्रा। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2012 में। लैंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पेरेंट संगठन गृह मंत्रालय है और इनका मुख्यालय है नई दिल्ली में। पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट आर्कटिका एम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारा सही जवाब है बी रूस। आर्कटिका एम रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकोस्मोस ने आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। आर्कटिका एम नामक उपग्रह को 28 फरवरी को कजाकिस्तान के बैकनोर कॉस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B वाहक रॉकेटलर लॉन्च किया गया। ये उपग्रह परिचालन मौसम विज्ञान और जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए मदद करेगा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हमारा सही जवाब है ए डॉक्टर हर्षवर्धन।
डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का नई दिल्ली में वर्चुअली संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस बार ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का विषय है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी और इनकी टैगलाइन है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? हमारा सही जवाब है ए नॉमैडलैंड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में नॉमैडलैंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। आइए जानते हैं कुछ और अवार्ड जो कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में दिए गए। बेस्ट फिल्म जो कि एक ड्रामा थी नॉमैडलैंड को मिला है। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी बोरेट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। बेस्ट डायरेक्टर नोमेड फिल्म के चलोए जाओ। बेस्ट एक्ट्रेस द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए एंड्रा डे को ये बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मा रेनी ब्लैक बॉटम के लिए दिवंगत चैडविक बॉसमैन को। बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल कॉमेडी के लिए आई केयर अ लॉट के लिए रोजमन पाइक को। बेस्ट एक्टर म्यूजिकल कॉमेडी के लिए बोरेट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म के लिए साचा बैरन कोहेन को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है द मॉरिशियन के लिए जॉडी फोस्टर को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जुदास एंड और द ब्लैक मसीहा के लिए डेनियल कालुआ इनको। ये है गोल्डन ग्लोब 2021 अवार्ड्स की सूची। यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है? हमारा सही जवाब है ए विनेश फोगाट। और ये पदक जीतने वाली विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला बनी है और इन्होंने वेनेसा कलाजिंगसाया को हराया है। शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है 1 मार्च। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार का इनका विषय था एंड इनइक्वालिटीज। शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक के रूप में तितली को चुना गया है। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को UNAIDS के कार्यकारी निदेशक द्वारा की गई थी। इसके मनाए जाने की घोषणा UNAIDS द्वारा दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने शून्य भेदभाव अभियान कार्यक्रम के बाद की गई थी। HIV/AIDS पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNAIDS के कार्यकारी निदेशक हैं विनी बयानीमा और UNAIDS की स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1994 में। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हमारा सही जवाब है जम्मू कश्मीर। हमारा आज का सवाल है, एडवेंटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी हमारी कुछ आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।